हैं आप लोग, जितने लोग आनंदित हैं एक बार ताली बजाएंगे। हमारे सभी नर्सेस के लिए, हमारे सभी मेल नर्सेस के लिए, फीमेल नर्सेस के लिए,
हे प्रभु जब वो लोग अपने काम को करते हैं आप उन्हें विश्राम देते हो। हे प्रभु हम दुआ करना चाहते हैं उन सबों के लिए जो जॉब कर रहे हैं, उनके जॉब में उनकी फैमिली लाइफ में आप उन्हें विश्राम दे। हे प्रभु इसमें दुआ करना चाहते हैं हर एक पेरेंट्स के लिए आप उनके विश्राम दे खुदा, जब वो बच्चों के देख रेख करते हैं आप उन्हें एक अच्छा रेस्ट दे, विश्राम दे और ताजगी दे खुदा, वो ताजगी जो आपके तरफ से आती है खुदा। थैंक यू जीसस। हे प्रभु आज की सर्विस को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, आज के दिन को आपके हाथ में सौंपते हैं, अपनी जबान को आपके हाथ में सौंपते हैं, अपने कानों को आपके हाथ में सौंपते हैं, अपनी आंखों को आपके हाथ में सौंपते हैं। इसमें हम दुआ करना चाहते हैं हर एक चीज का कंट्रोल आपके हाथ में खुदा, इस आपके लोगों के बारे को इस रूम के चारों ओर इस घर के चारों ओर लगाना चाहते हैं खुदा, की शैतान का कोई भी काम यहाँ पर ना होने पाए, ऐसी कोई आवाज जो शैतान की तरफ से खुदा आपकी तरफ से नहीं है, जो हमें डराती है, जो हमें कंफ्यूज करती है, यीशु मसीह के नाम से हम उसे काटते हैं, कैंसिल करते हैं, ब्रेक करते हैं और इसमें दुआ करते हैं खुदा आपका पवित्र आत्मा यहाँ पर मंडराए खुदा, हमारे कानों के अंदर इस समय आपकी आवाज पहुंचे और वो हमारे हृदय के अंदर प्रवेश करने पाए, वो जर्मिनेट होने पाए खुदा, वो सर्वगुना अधिक फलवंत होने पाए, हम सब आपके स्वरूप में और ज्यादा बढ़ने पाए खुदा। हे प्रभु हम दुआ करना चाहते हैं जब आप हमें आशीष देते हैं वो आशीष केवल हमारे नहीं मगर हमारे द्वारा औरों के पास भी जाने पाए खुदा, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। इसमें दुआ करना चाहते हैं खुदा बच्चों के लिए आप बुद्धि समझ दें ज्ञान दें खुदा कि हम आपके दौर में बढ़ने पाए खुदा। हे प्रभु इस समय यीशु मसीह के नाम से आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीव का घमंड को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करता हूं और ब्रेक करता हूं। दुआ करते खुदा हमारी आंखों को खुली कि हम तेरे भले कामों को देखने पाए, हमारी जबान को खुली कि हम आपके भले कामों का अपने मुंह से अंगीकार करने पाए, गवाही देने पाए, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं, आमीन हालेलुया। आइए इस समय हम लोग आराधना स्तुति में आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर हमारा महान परमेश्वर है और परमेश्वर बाइबल में बताती है कि परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है जो हमारी सहायता करती है, वो हमारा सहायक है, वो हमारा मित्र है। हम लोग इस समय पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को इस समय सबने अपने लिए मांगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर। अपनी सामर्थ्य से भर दे अभिषेक मुझे कर दे, सब लोग बोलेंगे अपनी सामर्थ्य से भर दे अभिषेक मुझे कर दे, आप पवित्र आत्मा
ये संसार है, खुदा तेरा प्यार हर एक सांसारिक प्यार से ऊपर है खुदा। ये प्रभु आज के दिन हम उस दिन को याद करना चाहते हैं खुदा, जिस दिन हमने आपको परखा चखा कि आप कितने भले हैं, उसी प्रेम को उसी पहले प्यार को खुदा आपके लिए आज हम महसूस करने पाए। प्रभु हम मिट नहीं गए, आपकी महाकरुणा का पल था, हमारे अंदर कोई खूबी नहीं थी, कोई लियाकत नहीं खुदा, अगर वो आपका प्रेम था कि आपने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अतरण चले। तेरा प्यार महान है खुदा, थैंक यू जीसस। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा
जब यीशु मसीह ने आपको छुआ, जब आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान के ग्रहण किया, जब आपने चख लिया परमेश्वर कितने भले हैं, और आपने चख लिया कि उसका प्यार कितना महान है। थैंक यू जीसस। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। Yeah.
सम्मान और प्रशंसा के योग्य है। हमारे अंदर जो कुछ है खुदा वो केवल आपका है। तो हमारा यहोवा यीरे है, वो हमारी पढ़ाई नहीं, वो हमारी नौकरी नहीं, मगर वो आपका अनुग्रह है जो मैं हर दिन चलाता हूं। योग्य केवल तू के लिए। इसमें दुआ करते हैं खुदा हमारी आंखों को, हमारे हृदय को, हमारे मन को खोल, क्योंकि हम जान नहीं पाए कि योग्य केवल तू है, पवित्र केवल तू है, आदर और महिमा के योग्य केवल तू ही है प्रभु। इस समय हमारे मन वचन और कर्म केवल और केवल आपके नाम को बहन। इस समय यीशु मसीह के नाम से एक एक भाई एक एक बहन को मैं आशीष देता हूँ, ब्लेस करता हूँ प्रभु। यीशु मसीह के नाम से इनके बोझ दूर होने पाए, यीशु मसीह के नाम से ये अपने मजबूती से खड़े होने पाए, यीशु मसीह के नाम से इनके पास वो आनंद हो जो कहीं और से नहीं मगर केवल आपकी ओर से आता, इनके पास वो शांति हो जो समझ से बिल्कुल परे है, और वो इन सबों को मुश्किलों के बीच में भी खड़े होने में सामर्थ्य दे, क्योंकि तुम्हारी सामर्थ्य खुदा आपकी ओर से आता है। इस समय हम यहाँ से मजबूत होके जाएं, जिस तरीके से हम इस दरवाजे के अंदर आए वैसे नहीं मगर बदल के जाने, आपके स्वरूप में बदल के जाने, आप में बलवंत होके बदल के जाने, शैतान हार जाए, यीशु मसीह जीत जाए, हमारे जीवन के द्वारा आपके नाम को महिमा मिले। प्रेम इस समय सब कुछ छू ले, हर एक तरीके का घृणा घमंड यीशु मसीह के नाम से टूट ले। हमारी जबान को खुदा इस समय आपके लोगों की छाप लगा दे खुदा उसके ऊपर, ताकि इस जबान से जो कुछ हो खुदा वो दूसरों को आशीष दे, दूसरों को ब्लेस करे। इस समय अपने कानों पर आपके लोगों की छाप लगा दे कि शैतान की कोई आवाज हमें बहकाने ना पाए, अगर आपकी आवाज के पीछे हम भाग के चलते आगे के पूरे दिन को जीवन को इस सर्विस को आपके हाथ में सौंपते हैं। हम कहना चाहते हैं बोल, क्योंकि तेरा दास सुनता है। यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं और सब लोग बोलेंगे आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सारे परमेश्वर को हम महिमा के लिए और भी ताली बजाएंगे। थैंक यू जीसस। योग्य केवल तू प्रभु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ये हम लोगों की हिंदी सर्विस है और परमेश्वर का अनुग्रह है कि हमारे साहिब चर्च में इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु चार लैंग्वेजेस की सर्विसेज होती हैं और अभी बंगला भी चालू हो रही है, चालू हो गया एक्चुअली ऑलरेडी। तो अगर आपके कोई दोस्त हैं जो हिंदी, तमिल, तेलुगु बोलते हैं आप लोग उनको इनवाइट करें, परमेश्वर उन्हें भी आशीष देगा। हालेलुया। कितने लोग यहाँ खुद से आए हैं, कोई उनको बुला के नहीं लाया, हाथ उठाएंगे? नहीं नहीं, पहली बार जब आप आए तो खुद ब खुद आ गए, कोई आपको लेके नहीं आया। गुलशन भाई को भी सिस्टर आरती लेके आए थे। हाँ, अनु ने हाथ उठाया, सिस्टर हेना ने हाथ उठाया, सिस्टर वैशाली ने हाथ उठाया। बहुत कम ही लोग हैं जो खुद से आ गए, मगर परमेश्वर हम लोगों का इस्तेमाल करता है और परमेश्वर हम लोगों को अलग अलग तरीके से, हम लोग सबका अलग अलग एनकाउंटर होता है। यीशु मसीह को हम लोग जानते हैं और हमें अब भी याद है, अनु और मैं हम लोग सिंगापुर आए थे और हम लोग ढूंढ रहे थे कहाँ पर हम लोग संगति कर सकते हैं, कहाँ परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, और ढूंढते ढूंढते हम लोग चले गए किसी जगह, वहाँ पर इंटरनेट से गूगल करके, और वहाँ पर दरवाज़ा भी बंद था, ऑफिस भी बंद था, सब कुछ वहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। फिर हम लोग वापस खाली हाथ आने लग गए, फिर वहाँ एक फ़ोन नंबर था, हमने उनको फ़ोन किया, किसी तरीके से हमें फिर यहाँ का पता चला, फिर हम लोग किसी तरीके से वहाँ पहुँचे। वहाँ परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उस दिन के बाद से आज तक हम लोग परमेश्वर में बने हुए हैं और परमेश्वर में हर संडे जब हम लोग यहाँ आते हैं आनंद से होके जाते हैं। हर संडे ऐसा नहीं होता है कि हम लोग आनंद और खुशी और सब कुछ एक जैसा हो, और कई बार हमें फिजिकल पेन होता है, हम शारीरिक रूप से बीमार हो जाते हैं, मगर जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, परमेश्वर में संगति करते हैं, अद्भुत शांति मिलती है, एक अद्भुत आनंद मिलता है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। जब नोआ से अनु प्रेग्नेंट थी उस समय भी हम लोगों को याद है, हम लोग संडे को चर्च अटेंड करें, अगले दिन गए और फिर नोआ का बर्थ हो गया। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आपको सबको मैं इंकरेज करूंगा, लाइफ में कुछ भी परिस्थिति हो, उतार हो, चढ़ाव हो, आपके बॉस ने आपको कुछ बोल दिया, आपके दोस्त ने आपको कुछ बोल दिया, आपकी सैलरी नहीं मिली, कुछ भी हो, परमेश्वर को कभी ना छोड़े, परमेश्वर के पीछे हमेशा बने रहे और परमेश्वर का वायदा है कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, आमीन। और
हम लोग की चाय और नाश्ते की संगत भी होती है 2 से 4 बजे, आप लोग जल्दी ही आते हैं और आप लोग के पास कुछ टाइम है, आप लोग यहाँ चाय नाश्ते की संगति करें। बहुत बार हम लोग लिटिल इंडिया में जब हमारी चर्च सर्विस थी वहाँ पर देखते थे लोग कैसे कोई यहाँ MRT के नीचे बैठा हुआ है, कोई पार्क में बैठा हुआ है, लोगों को समझ नहीं आ रहा हम क्या करें, और लोग वहाँ बैठे भी हैं। और जब मैं चर्च के लिए हम लोग जाते थे लोग देखते थे लोग इधर बैठे हुए हैं अपनी मौज मस्ती कर रहे, जब वापस आते थे वहाँ पर कोई उल्टी करके बैठा हुआ है, कोई वहाँ लेटा हुआ है, पूरे सब अलग अलग तरीके से आनंद को ढूंढ रहे हैं। तो परमेश्वर में जो आनंद है वो किसी और चीज़ में नहीं है। तो आप लोग सब भी, आप लोग के पास टाइम है, आप लोग को समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाएं, आप लोग यहाँ आ सकते हैं 2 से 4 बजे, एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए दुआ कर सकते हैं। और अगर आपके पास स्ट्रेंथ है, एनर्जी है, आप आकर हम लोग की हेल्प करा सकते हैं चेयर सेटअप कराने में। यहाँ पर ये दीवार जैसा जो है इसको हम सेट करते हैं ताकि पार्टीशन हो जाए, बहुत कुछ इस तरीके से आप लोग हेल्प कर सकते हैं, आपको भी आनंद आएगा और परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष मिलेगा। तो 2 से 3 बजे हम लोग सेटअप करते हैं, 3 से 4 बजे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और फिर हमारी सर्विस 4 बजे से होती है। सर्विस के ठीक बाद 6 बजे हम लोग डिनर की संगति एक साथ करेंगे, आप लोग सब वेलकम है डिनर करें। डिनर में केवल हम लोग खाते नहीं मगर एक दूसरे को जानते भी हैं और एक दूसरे के करीब भी आते हैं। और मंडे वेंसडे और फ्राइडे को हम लोग प्रार्थना भी करते हैं ऑनलाइन कॉल के द्वारा। बहुत सारे हमारे नर्सेज हैं, रमेश भाई भी हैं, कई बार ये अपने काम को खत्म करके ठीक से जल्दी से भाग के यहाँ आ जाते हैं, तो इनकी नाइट ड्यूटी भी होती है और ये आ जाते हैं और बहुत सारे नर्सेज ऐसे करते हैं। और कई बार कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। तो अगर आप काम कर रहे हैं उस दिन आप संडे को, तो मंडे वेंसडे और फ्राइडे को हमारे ऑनलाइन प्रेयर कॉल भी है, आप उसमें जुड़ सकते हैं 9:15 से 10:15। और अगर किसी विषय में आप परेशान हैं, आप आंसर जानना चाहते हैं, आप शेयर करना चाहते हैं, आप प्रार्थना स्पेशली अपने लिए इंडिविजुअली कराना चाहते हैं, आप ट्यूसडे और थर्सडे को भी अनु या मुझे हम लोग को पहले बता सकते हैं, हम लोग बातचीत कर सकते हैं, हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। तो बहुत तेरे लोग सब लोग हम लोग जुड़ते हैं 9:15 से 10:15 मंडे वेंसडे फ्राइडे, और परमेश्वर अद्भुत तरीके से हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दे रहा है, अद्भुत गवाहियों हो रही है, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। तो आपने कभी ज्वाइन नहीं किया है आप लोग सब वेलकम है, ज्वाइन कर सकते हैं। और मंथ में एक बार हम लोग वुमेंस बाइबल स्टडी भी करते हैं, तो आप लोग उसमें भी जुड़े जितने वुमेंस हैं, और परमेश्वर आपको भी आशीष देगा। और हम लोग के कुछ हफ्तों के बाद सितंबर में हम लोग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे हमारे चर्च की, तो आप लोग सब इनवाइटेड हैं, अपने दोस्तों को भी इनवाइट कर सकते हैं। और हम लोग हिंदी मिनिस्ट्री की तरफ से हम लोग एक डांस भी करेंगे, पंजाबी सॉन्ग भंगड़ा या फिर हिंदी में, तो हम लोग आप लोग सब उसके लिए तैयारी करें। हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद देंगे और जोश के साथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। और इस समय हम लोग के पास समय होगा गवाहियों का, परमेश्वर ने जब आपके जीवन में काम किया है आप लोग गवाही दें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। तो आपके पास कोई गवाही है पिछले हफ्ते की, पिछले महीने की, आपने नहीं शेयर किया है, शेयर करें, परमेश्वर उसके द्वारा आपको ब्लेस करेगा। जब हम गवाही देते हैं हमारे उस गवाही के ऊपर सील लग जाती है, तो आप लोग गवाही दें और परमेश्वर आप सबको आशीष दें। पर्पल माइक यूज करेंगे और हम लोग अपनी गवाही शेयर। सारे जनसी दी खुदा का धन्यवाद करती हाँ सोने दिन के वास्ते जो प्रभु ने गवाही देने का मौका दिता। और गवाही मेरे पापा की आ, पिछले बीते दिनों मैं तुम्हें दसिया से कि मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया सी, और उन्होंने इतने मत्थे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी, और हुण पूर्ण ताई तरीके खुदा ने उन्होंने शुक्र चंगा किया, शिफा दी है, और हम सारी जी दर्द सी जो दवाई भी लेंदे सी वो भी उन्होंने छट दी है, प्रभु ने उन्होंने चंगा किया है, खुदा का धन्यवाद करती हाँ। और दूसरी गवाही मेरे ब्रदर सिस्टर दी है, और गवाही इस तरीके ना वा कि मेरा ब्रदर और सिस्टर थोड़े बड़े स्टबन हो गए थे, किसी भी कोई भी गल करनी तो मनना ही नहीं बल्कि वो नाफरमानी करनी, तो बड़ी मुश्किल होंगी सी। मेरे पेरेंट्स इस चीज़ को लैके बड़े चिंतित सी कि किस तरीके दे नाल इन्हां नूं करैक्ट किया जा सकता वा। सो उन्होंने बड़ियां रोजे रखे, दुआवां कीतियां, और काफ़ी लोगों को कहा कि साढ़े बच्चों वास्ते दुआ की जाए, और जिन्हों
खुदा सुना शुरू कर देता है तो ऑटोमैटिक उसकी लाइफ चेंज होनी शुरू हो जाती है। सो उन्होंने अपनी जो दसवीं के एग्जाम दिते और कुछ समय बाद अपने रिजल्ट की वेट करते पे थे और खुद उन्होंने भी दुआ करनी शुरू कर दी, रोजे रखने शुरू कर दिते और उस तो बाद उन्होंने खुद ही डिसीजन ले लिया कि असी भी पापा जिस तरह तुम सेवकाई के हो असी भी सेवकाई के जाना चाहते हाँ। और पापा ने किसी ना गल की और उन्होंने डिसीजन लिया, मेरे ब्रदर सिस्टर ने खुद उन्होंने कहा कि असी हम बाइबल स्टडी से जाना चाहते हाँ। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि छोटी उम्र के खुदा ने उन्होंने समझ दे दी है कि वो प्रभु के काम के वास्ते तैयार हो गए हैं। सो सारे जन सी शेयर करने के लिए हृदय को चेंज करने वाला कोई और नहीं मगर केवल परमेश्वर है। अगर आप भी अपने किसी बॉस के लिए, अपने किसी दोस्त के लिए दुआ कर रहे हैं, कम अपने आप को कमजोर ना समझें, दुआ करते रहें और परमेश्वर हृदय को चेंज करने वाला परमेश्वर ही है। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सिस्टर शेयर करने के लिए। और किसी के पास कोई गवाही है? अभी थोड़ा टाइम पहले मेरे ब्रदर के पास कोई भी जॉब नहीं था तो हम सारे प्रेयर कर रहे थे, अभिजीत भैया दीदी हमने ग्रुप कॉल में भी हम प्रेयर कर रहे थे। तो मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि उसको जो जॉब मिले वो घर के पास हो, तो हम प्रेयर करते रहे तो खुदा ने इस तरीके से ब्लेस किया कि जो मेरा भाई है वो घर से ही काम कर रहा है, कहीं जाने की भी उसको ज़रूरत नहीं है। और अभी उसको 1 वीक हो गया, उसके सारे जॉब भी अच्छी चल रही है, सारा कुछ ठीक है और वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि जब भी उसको काम मिलता है वो हार्डली 1 हफ्ता या 1 मंथ काम करता है, फिर वो छोड़ देता है। तो ये मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट भी है कि हम सभी उसके लिए दुआ करें कि वो जो उसको खुदा ने जॉब ब्लेस करी है वो उस जॉब में कंटिन्यू बना रहे। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि हम पहले प्रेयर करते थे कि मेरे जो बॉन्ड के पैसे थे वो सबमिट थे, तो हम कंटिन्यूसली उसके लिए प्रेयर करते थे। थोड़ा टाइम पहले मैंने वो छोड़ दी थी बिल्कुल कि चलो छोड़ो, क्योंकि इस चीज़ को अभी 5 साल हो गया, 5 साल हम थोड़े टाइम पहले दुआ करती थी, बीच में छोड़ भी देती थी कि चलो मुझे उम्मीद नहीं है शायद ना मिले। बट अभी पिछले परसों मेरी मम्मा का मुझे कॉल आया तो मम्मा ने मुझे बोला कि जो भी तेरे पैसे जो भी वो अटके थे वो सारे उनका कॉल आया था, तो बात हुई कि अब वो पैसे रिलीज हो गया, जो उन्होंने LOC थी वो हमें दे दी है। तो इस चीज़ के लिए भी मैं सारा श्रेय जो है वो खुदा को देती हूँ कि जो भी हमें खुदा पे भरोसा होता है, तो जो भी हमें अगर भरोसा है तो खुदा वो चीज़ करता है, चाहे उसमें हमारी हम उम्मीद छोड़ भी दें पर फिर भी हमारा खुदा ऐसा है कि वो कभी हमें नहीं छोड़ता। थैंक यू सिस्टर पूर्णिमा शेयर करने के लिए। हम लोग को आज भी वो दिन याद है जब सिस्टर पूर्णिमा को यहाँ नौकरी मिल रही थी, नहीं मिल रही थी और वो प्रोसेस चल रहा था, हम लोग उस समय से इनके लिए दुआ कर रहे थे। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर प्रार्थना सुनी, आज सिस्टर पूर्णिमा यहाँ की जॉब भी कर पा रही है। और जॉब में ज्वाइन करने से पहले भी फैमिली में बहुत सारा स्ट्रगल था कि इनको भेजे ना भेजे क्या होगा, मगर परमेश्वर ने सब मार्ग खोला और ये आने पाई। और हम लोग इनके NOC के लिए भी दुआ कर रहे थे कि जो पैसा अटक गया है वो मिलने पाए। परमेश्वर का समय बेस्ट है और परमेश्वर का तरीका बेस्ट है, तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस गवाही के लिए। सिस्टर जब शेयर कर रही थी तो मुझे भी अपनी गवाही याद आ रही थी कि बहुत समय पहले जब मेरी पहली नौकरी लगी तो मेरे जो HR के मैनेजर थे उन्होंने कहा कि LIC में पैसे लगा दो जब तुम अभी एकदम ही नए हो, 24 साल के हो, तो बहुत अच्छा एज है, कम पैसे लगाने से ही अच्छा पैसा मिलेगा और बहुत कुछ। तो मैं तो नया, मेरी फर्स्ट जॉब थी, मैंने उसमें इन्वेस्ट किया, लगाया हर मंथ या हर 6 महीने पे पैसे डालता था। और ये 2-2.5 साल के बाद मैं इंडिया से बाहर आ गया, मैं चला गया जापान। उसके बाद फिर भी मैं पैसे डालता रहा किसी तरीके से, फिर वापस मैं सिंगापुर आ गया, फिर भी तो बहुत कुछ उसमें डाल दिया। लेकिन उसके बाद जब पीरियड आया मैच्योरिटी का, मेरे पैसे ही नहीं आ रहे थे कि मैं यहाँ पर हूँ, तुम्हें वहाँ पर जाना है, वहाँ पर चेक डालना है, वहाँ अकाउंट खोलना है, और मेरे पास कुछ भी नहीं हो पा रहा और सारे मेरे पैसे वहीं पर हैं। और इसी तरीके से मैं ये करने लग गया, वो बोल रहे हैं ये करो वो करो, मैं सब कुछ करने लग गया एक के बाद एक, और किसी तरीके से कोई काम नहीं होने लगा। कम से कम 2.5 साल हो गए मेरे पैसे भी नहीं आते सिस्टर की तरह। फिर मेरे मन में एक दिन आया कि मैं हर चीज़ों के लिए दुआ करता हूँ, मैं इसके लिए दुआ क्यों नहीं कर रहा। मैंने कहा परमेश्वर मैं इसके लिए दुआ करूँ, और मैंने दुआ करी। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं 3 से 4 हफ्ते में ही उसके बाद अपने आप मेरा वो रिलीज हो गया जो 2.5 साल से रिलीज नहीं हुआ। तो परमेश्वर
में सब कुछ संभव है। हम लोगों को अपना भरोसा, पहले मैं अपनी बुद्धि पर भरोसा कर रहा था, लेकिन जब परमेश्वर पर भरोसा किया, परमेश्वर ने सब कुछ संभव किया। थैंक यू सिस्टर शेयर करने के लिए। और किसी के पास अगर आए तो शेयर करें। हालेलुया, हालेलुया, जय मसीह। साढ़े खुदा ने सानू सिखाया कि प्रार्थना के विच बने रहो ताकि तुसी परीक्षा के विच ना पाए जाओ। कई बार असीं प्रार्थना नहीं करते तो साडा जिहड़ा अभिषेक भाजी कहिंदे आ बोझ हुंदा, कुछ ना कुछ छोटे छोटे बोझ, किसी का वड्डा किसी का छोटा, असीं प्रार्थना नहीं करते तो वह भी हुंदा वा, असीं सानू लगदा सारियां बिपतावां साडे ते ही आ। परमेश्वर ने साफ साफ क्लीयर किया प्रार्थना के विच बने रहो ताकि तुसी बिपता के विच ना पाओ। मैं भी फिर मेरी गवाही है मेरे वर्क में लैके, मेरा जो इंचार्ज है वो काफ़ी मेरी लड़ाई है, चलो सॉल्व होया, असी एक दूजे सॉरी फील की, फिर असं इकट्ठे एक दूजे की हसन खेडन लगे, रिस्पैक्ट की। बट कई बार मैं पहले मैं इंचार्जशिप से कभी कभी टर्न आँगी सी सारे सारे मेरी भी आ जाती, पर मेरा इंचार्ज मेरे नाल गुस्से से, मैं बड़ा लंबा समा हो गया मैं इंचार्ज नहीं करता ड्यूटी, इंचार्ज नहीं बना ड्यूटी इंचार्ज, मैं कुछ भी बड़ा होना चल यार नहीं बना ना, असि टेंशन घटी आप टेंशन नहीं। फिर मेरे मन के डाउट भी है यार मेरी इंसर्ट है ये जो मैं नहीं बनता इंचार्ज, बाकी सारे इंचार्ज शिफ्ट करते हैं मैं नहीं करता, फिर मैं इंसर्ट भी फील करता है अपने आप, पर बाकी मैं कहता है मैं नहीं सिर दर्द देता ठीक है नहीं बना देना। पर हूँ दुआवां दे राही फिर साढ़े दोनों आपस च सुलह हुई, फिर हूँ मेरी इंचार्ज शिफ्ट जी मैं देनी शुरू करती है मेरे इंचार्ज ने। पिछले हफ्ते मैं इंचार्ज सीगा ऑल ओवर ड्यूटी का, तो खुदा का धन्यवाद वो सारे जोड़े बंधन से मेरी ड्यूटी के मेरे वर्कप्लेस से खुदा ने तोड़े, तुम्हारा धन्यवाद करना तुम। शेयर करने के लिए, और जैसे आपने गवाही दी हम लोग विश्वास करते हैं कि ये परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। थैंक यू रमेश भाई शेयर करने के लिए, और आप लोग सब जब हम लोग गवाही देते हैं हम लोग की सील लग जाती है, तो हम लोग इसमें दुआ करते हैं रमेश भाई जब आपको इंचार्ज बनाया है आगे भी परमेश्वर आपको ऊंचे पे ले जाए, परमेश्वर आपको सर बनाए, और परमेश्वर का अनुग्रह का हाथ आपके ऊपर बने रहे जब यहाँ नौकरी कर रहे हैं, नौकरी आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए आशीष का कारण है, यीशु मसीह का नाम, आमीन। और किसी के पास कोई गवाही? चर्च जा रहा हूँ, तो बोले ओके मैं भी चर्च जा रहा हूँ।
ठीक है कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ तेरे साथ, मैं भी चर्च ही जा रही हूँ, लेकिन मेरा चर्च इधर ही है, तुम किसी और लोकेशन में जा रहे हो। तो फिर मैं आगे आई तो वो आधे रास्ते तक मेरे पास मेरे साथ ही आए, अम्ब्रेला मेरे ऊपर उन्होंने कर दिया और खुद भी गया, मैं भी थोड़ा बहुत भीगी थी, लेकिन उन्होंने मेरे साथ साथ दिया और लेके आए। आधे रास्ते में वो रुक गए, बोले मेरा चर्च यही है तो आगे चले जाओ। फिर उन्होंने मुझे बोला ओके बाय टेक केयर तू जा, मैंने बोला ठीक है। और मैं आगे आ रही तो फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था, कभी भी मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा था, कभी लोकेशन चल रही थी कभी नहीं चल रही थी। फिर मैं आगे आई तो बारिश बहुत तेज थी, लेकिन मैंने बोला कि नहीं मैं जाना ही। फिर मैंने एक आदमी मिला, मैंने उससे पूछा कि मैंने ये चर्च में जाना है, तो उन्होंने मुझे बता दिया कि हाँ तुम ऐसे ऐसे जाओ। मैं चली गई, थोड़ा भीग गई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी कि नहीं मुझे जाना है तो जाना ही है चर्च। तो शैतान ने बहुत रुकावटें डाली थी कि मैं चर्च ना हूँ, बट मैंने ये कोशिश, मेरी ये कोशिश थी कि मैं चर्च जाना है, मैंने जाना है तो जाना है। तो मैं चर्च आई, थोड़ा भीग गई, लेकिन फिर भी आई। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हर आंधी में हर मुश्किल में मेरा साथ दिया और मुझे चर्च में लेके आए। हालेलुया, थैंक यू सिस्टर शेयर करने के लिए। परमेश्वर मार्ग खोलते हैं, परमेश्वर वचन कहता है धन्य है वे जो धर्म भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। और शैतान मुश्किलें डालता है, दो तरीके से शैतान इंसान को रोकता है, एक मुश्किलें डाल के दूसरा लालच डालता है। और कई बार हम लोगों को फिर घर में भी बहुत सारे सिस्टर्स लोग कॉल करती हैं, बताती हैं कि मैं वहाँ गई चर्च के पहले और वहाँ मेरे दोस्तों ने रोक लिया, बोला कि अब चर्च मत जाओ, अब चर्च मत जाओ, और फिर मैं वापस चर्च नहीं गई, फिर मुझे बहुत बुरा लग रहा है और मैं पूरे हफ्ते ऐसे। तो शैतान हमेशा रुकावट डालता है, शैतान नहीं चाहता है कि आप जीत जाएं। और जब लोग परमेश्वर में विश्वास करके बस एक कदम रखते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए आगे 10 कदम निकाल देगा। प्रार्थना में बने रहें और परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर अद्भुत तरीके से सिस्टर आपको ब्लेस करेगा। सिस्टर आपका नाम किरण, सिस्टर किरण गॉड ब्लेस यू। और सिस्टर किरण आज आप दूसरी बार आई हैं, हम लोग एक बार ताली बजा के सिस्टर किरण को वेलकम करेंगे। और आज हम लोग के साथ रितेश भी हैं, हम लोग उनको भी एक बार वेलकम करेंगे। आप दोनों को ऐसे आशीष दें। और किसी के पास कोई गवाही तो इस समय भाग के आएंगे। चलिए फिर हम लोग इस समय वचन में आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं। हम लोग पिछले संडे एक सीरीज में कर रहे थे कि परमेश्वर हमारा पवित्र परमेश्वर है, तो उसी सीरीज में हम लोग आज कंक्लूड करेंगे। तो परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर इस समय हम वचन को आपके हाथ में सौंपते हैं, हमारे कानों को आपके हाथ में सौंपते हैं, हमारे हृदय को आपके हाथ में सौंपते हैं। हम चाहते हैं खुदा बोलने वाला कोई और नहीं मगर आपका आत्मा हो, और सुनने के लिए इस समय खुदा यीशु मसीह के नाम से शैतान की हर एक रुकावट को हम ब्रेक करते हैं। हमारे हृदय को इस वक्त दुआ करते हैं कि आप कोमल करें, इसमें जब आपका वचन बोया जाए, बीज बोया जाए, तो सब नाम यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं। आमीन। जय मसीह की सभी को अच्छे से आवाज आ रही है, अगर नहीं आ रही तो आप आगे आ सकते हैं क्योंकि पीछे एक मिनट सर्विस की भी आवाज आती है। मैं वचन में जाने से पहले छोटी सी गवाही शेयर करूंगी। ये जो विषय के बारे में जो टॉपिक परमेश्वर ने मेरे मन में डाला था, पिछले संडे मैं कोई और मैसेज प्रिपेयर कर रही थी, मंडे टू फ्राइडे में कुछ और मैसेज दे रही थी, तैयार कर रही थी। फिर मैं नेथन को हिंदी स्कूल लेके जा रही थी, उसका एग्जाम था, तो एग्जाम के लिए वो 2 घंटे अंदर था, तो जब तक वो अंदर था मैं अपना बाइबल खोल के पढ़ रही थी। और मैंने उस टाइम मलाकी की पुस्तक पढ़ी, परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि मैं इस विषय में बातचीत करूं, और परमेश्वर मन में डालते गए चीजें डालते गए। और फिर ये मैसेज मैंने शेयर करा, और फिर उसके बाद संडे को शेयर करने के बाद हम लोग पूरा खत्म नहीं कर पाए, फिर रात को हम लोग बात कर रहे थे, तो उम्रे से शेयर करे, वो मुझे नहीं बताया था कि उनकी और भाई रमेश के बीच में क्या बातचीत हुई थी। ये मैं गवाही के रूप में शेयर कर रही हूँ कि भाई रमेश ने बात करी थी इनसे कि इस विषय में
हम चर्च में शेयर कर सकते हैं। कुछ चीजें उन्होंने बोली थी और वो परमेश्वर ने मेरे मन में डाली। तो हम लोग सब आत्मा से, परमेश्वर की आत्मा जो कि पवित्र आत्मा उससे जुड़े हुए, वो आत्मा हम सबको गाइड करता है, वो हम यूनिटी को दिखाता है। तो ये विषय जो है ये परमेश्वर की ओर से, और जब हम इससे बातचीत करते हैं बहुत गंभीरता के साथ सुने। तो सारा आदर और महिमा हम परमेश्वर को देते हैं कि परमेश्वर ने हमसे बातचीत करी और बोला। आइए प्रार्थना के साथ शुरू करें। थैंक यू जीसस। प्यारे प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा इस समय आपका स्वागत करते हैं, इस समय आपका विषय आपके आपकी अगुवाई आपकी सामर्थ्य आपकी सहायता को मांगते हैं। प्रभु जी इस समय हमारे कानों को खोलने की, हम आपकी आवाज को सुनने पाए, इस समय हमारी ऐसी आवाज भरमाने वाली आवाज जो आपकी ओर से नहीं, उसे प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेरित करते हैं। इस समय प्रभु जी, इस समय प्रभु जी हम अपने हृदय को खोलते हैं कि उसमें प्रभु जी आपके वचन का बीज बोया जाए, कि वो फल लाए, वो सौगन फल लाए, उस फल के द्वारा प्रभु जी आपका नाम ऊंचे बढ़ाए जाए, आपके नाम को हम बढ़े, हम प्रभु जी घटे और आप हमारे जीवन में और हम आप में बढ़ना चाहते हैं। प्रभु जी सहायता करें इस वचन पर आपके आशीष, बोलने वाली मैं नहीं पर प्रभु जी आपका आत्मा हम सब से बातचीत करें। सारा आदर महिमा परमेश्वर आपको मांगते प्रभु जी अपनी इस प्रार्थना को अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। सो पिछले संडे हम इससे सब लोग नहीं थे जो आज दिख रहे हैं, सो जो लोग थे वो बताएंगे। ओके, प्रकाशित और के रेवलेशन सब लोग, क्या विषय क्या था हम लोग का? सारा आदर महिमा जब परमेश्वर के, और क्या था परमेश्वर क्या है? परमेश्वर पवित्र है। आज हम लोग गाय योग्य केवल तो पवित्र केवल तो, सो परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। हम लोग पिछले संडे हम लोग एक वीडियो से शुरू कर रहे थे, जो लोग नहीं थे हम लोग पूरा मैसेज खत्म नहीं कर पाए थे, तो हम लोग रिकैप करेंगे। हम लोग जल्दी से सारी चीजों में जाएंगे, हम लोग वीडियो फिर से देखेंगे। कितने लोगों ने वीडियो देखा ना, कितने लोगों को अच्छा लगा था या कितने लोगों को डर लगा था? डर भी लगा था। तो हम लोग इसको देखेंगे, बहुत गंभीरता के साथ देखेंगे। मैं वहां से देख सकती हूँ तो आप लोग तैयार है? श्री प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है उसका चौथा अध्याय हम लोग इस समय स्टार्ट करेंगे। आप लोग बहुत गंभीरता के साथ सुने और देखिए, बहुत सारी चीजें इसमें। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है, और उस सिंहासन पर कोई बैठा है, जो उस पर बैठा है वह यश और माणिक्य सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है, और इस सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। उस सिंहासन में से बिजली और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं, वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं, और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है, और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है, तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है, और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। चारों प्राणियों के 6-6 पंख हैं, चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम करने लिए यह कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है
और जो युगानुयुग जीवता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे। तब 2400 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे। वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। आमीन। कितने लोग इसे तीसरी बार देख रहे हैं? कितने लोग इसे पहली बार देख रहे हैं? जो पहली बार देख रहे हैं पहले वो बताएंगे उसको देख के उन्हें कैसा लगा। ये जो वीडियो है क्या दिखाता है? ये स्वर्ग में आराधना को दिखाता है। ये स्वर्ग का दृश्य है कि परमेश्वर जो है सिंहासन पे, वो सिंहासन खाली है, परमेश्वर सिंहासन पर। उसे देख के क्या लगता है परमेश्वर कैसा? ये वीडियो जो है जो स्वर्ग की महानता है, जो स्वर्ग जितना भव्य है उसका कोई फ्रैक्शन नहीं है। तो वीडियो बनाया लोगों ने, नोआ ने जब इसको देखा कह रहा रेनबो बड़ा फेक जैसा लग रहा था पर मुझे समझ आ रहा था। तो उसमें बहुत सारी जो यमुना है वो भी लिखा ऐसा सा दिखाई पड़ता है, वो भी उसका भी एक लिमिटेड नॉलेज है चीजों को देखने का, वो एक्सप्रेस करना चाह रहा है, इतना भव्य है वो शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर सकता। सो परमेश्वर के सामने जो 2400 प्राचीन है, सो 2400 क्या मुकुट पहने सोने के, वो भी जज करेंगे। पर वो लोग भी क्या कर रहे हैं, सब बिना दिन रात बिना थके बिना विश्राम करे वो क्या करते रहते, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो था और जो है जो आने वाला क्या कर रहे थे, वो अपना मुकुट नीचे रखे। तो वो क्या दिखाता है, वो क्या दिखाता है, वो परमेश्वर को आदर दे रहा, कितना आदर दे रहा दिखाता है। सो परमेश्वर क्या है, जो थे परमेश्वर आदर, क्या कोई और आदर नहीं है उनके? नहीं, और पवित्र है, पवित्र है, नॉन स्टॉप यही बोल सकते पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान। और सिर्फ वो ही आदर, आज हम लोग जो गाना गा रहे हो के पवित्र केवल तू, आदर और महिमा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी, क्योंकि वो ही आदर के योग्य, उसके अलावा कोई नहीं। और हम लोग बातचीत करते हैं बहुत जल्दी जाएंगे, हम लोग भाई बहन हमें क्या बताती, हमारा जो शरीर है वो क्या है, पवित्र आत्मा का मंदिर है, उस मंदिर में एक सिंहासन है, उस पे कौन है, क्या वो सिंहासन खाली है, सिंहासन में परमेश्वर है, या सिंहासन पे कुछ और है, या कोई लालच, वो कुछ भी हो सकता है, या मंदिर है ही नहीं, ताकि वो सिंहासन है ही नहीं, उस सिंहासन में हमने कुछ और बिठाया, अपने आप को बिठाया। सो हम बात कर रहे थे कि आदर और महिमा के योग्य सिर्फ परमेश्वर, बट बहुत बार हम लोग आते हैं चर्च, हम लोग सोचते हैं हम आदर के सब हमारा आदर करें महिमा करें, किसी ने हमसे ठीक से बात नहीं की हम लोग छोड़ के चले जाते हैं। हम लोग इस चीज को कि जो परमेश्वर का जो स्तुति है, जो परमेश्वर की जो प्लेस है, परमेश्वर का जो भवन है, उसकी जगह हम कहीं और पाए जाते हैं। पर हम लोग क्या बताते हैं, विश्रामगार को परमेश्वर ने पवित्र ठहराया, परमेश्वर पवित्र और सिर्फ वही आदर के योग्य है। हम परमेश्वर को क्या ले लेते हैं, बहुत लाइट लेते हैं, क्या शब्द हम लोग यूज करें लास्ट टाइम, कोई बताएगा जो था, बहुत हल्के में ले लेते, तेज बोल रहे हो, डरिए नहीं, आपको डर लग रहा है ऐसे नहीं है, ठीक है। तो परमेश्वर जो है सारा आदर के लिए पवित्र परमेश्वर, परमेश्वर को हल्के में ले लेते हैं, कितनों का लगता है हल्के में ले लेते हैं, कितनों ने लगता कि आज हल्के नहीं लिया, किसी को नहीं लगता, किसी को लगता है कि नहीं लगता, लगता कैसे लिया लगे हमें, जाना चाहते क्योंकि हम लोग बदलाव चाहते हैं अपने जीवन में, हम लोग पहले जैसा नहीं रहना चाहते, क्यों
में पहली चीज होती है कि अगर हमारे जीवन में कोई बुराई है, अगर हम उसको देख लेते हैं, उसको मान लेते हैं, तभी हम उससे मन फिरा सकते हैं। तो बहुत बार अंगीकार करना बहुत जरूरी होता है, हम लोग अंगीकार नहीं करते। कैसे लगते हैं हम लोग बड़े हल्के मिले, आवाज आती ना, आज कैसे हल्के मिले यहाँ आने से पहले, बताओ बताओ बताओ। आप
हम लोग बात करते गूगल करें तो सबसे ज्यादा हमें लेवी व्यवस्था लेविटिकस की बुक में हम लोग को पवित्र शब्द मिलते हैं। तो बात करते हैं बहुत सारे कि जब हम लोग आए परमेश्वर के सामने तो कैसे पवित्र हो के आए, याजकों के बारे में बात करता है वो क्या पवित्र है क्या अपवित्र है, कि कैसे लहू से उसको पवित्र करके हम लोग एंटर कर सकते। उस समय परम पवित्र जो परमेश्वर का होली और होली बोलते हैं उसे पर्दे से अलग था, कि उसमें याजक जो है वहां याजक साल के एक बार ही अंदर जा सकता था, अपने को वो प्रिपेयर करता था। जबकि हम बात करें थे यरीहो की दीवार की, उससे पहले लोग अपने को तैयार करते, जब परमेश्वर का वचन सुनते तो उस पहाड़ के आसपास भी अपने को पवित्र करना तैयार करते थे। बट हम लोग जब परमेश्वर के भवन में आए हम लोग हल्के ऐसे आते हैं, कैसे भी चले आते हैं, अपने मन को हमें तैयार करके लाना हम लोग। फिर उसके बाद जो आता है परमेश्वर का वचन, जब पवित्र शब्द आता है बाइबल में आता है, जब मूसा को परमेश्वर ने बुलाया वो जब उस जलती हुई झाड़ी को देखता है तो उससे आवाज आती है। जब वो मूसा उसको देखता है होरेब पर्वत के पास भेड़ बकरी चरा रहा होता है तो उसको जलती हुई झाड़ी देखता है, जो झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं हो रही, तो कहता है मैं जाके पास से देखूं। तो जब वो जाने करता से आवाज आती है, हे मूसा, मूसा ने कहा क्या आगे, परमेश्वर हमसे बहुत बार बुलाता है आवाज की। आपको उसे बुलाने की जरूरत है।
सो हमारे हृदय में क्या है वो परमेश्वर जानता है। जब चर्च चल रहा था स्टैंड किया हम लोग बात कर रहे थे, मैं फिर से चीजें बोल रही हूँ कि आज का वचन अच्छा नहीं है, लंबा है, कब खत्म होगा, मुझे तो भूख लग रही है, आज खाने में क्या है, थोड़ी बार चाय पीनी थी, ब्रेड खानी है, खाना खाना है, या मुझे दोस्त से बात करनी, उसका फोन आया, मैंने उसको टाइम दिया था, अब वही आदमी बैठ के बाइबल पढ़ लेंगे, मैसेज तो ऑनलाइन भी देख सकते हैं, क्या है हमारे हृदय में, या अपने बारे में सोच रहे हैं, एक ही दो दिन मिलता है, शॉपिंग भी करनी है, अपने लिए कपड़े नहीं खरीदे कब से, सब चीजों के लिए जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं तो बाकी चीजें अपने आप में हो जाती है। आप देखेंगे कैसे आप सारी चीजें ऑर्गेनाइज हो जाती है, कैसे सब चीजों के लिए समय निकालते हैं। जो पाप है वो क्या करता है हमारे जीवन में, हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। सो हमारे हृदय में क्या है, पाप है तो हमें वो परमेश्वर से अलग किया। कौन कहते हैं कि परमेश्वर मेरा पहला प्यार है, परमेश्वर से मैं सबसे ज्यादा बढ़ के प्रेम करता हूँ, कोई नहीं कह रहा उसको अच्छा लेट आते चर्च कहा गया पहला प्यार, जिसने प्यार किया उससे पूछो जो फिजिकली किससे कौन लेट गया है अपने प्रेमी से मिलने या टाइम से पहले जाइए, किसने उसका मैसेज आया है तो उसको 50 बार पढ़ा है फिर भी लगा कि ठीक से पढ़ा नहीं है, कुछ मिस ना हो गया, कितने लोगों ने बाइबल ऐसे पढ़ा। सो अगर परमेश्वर पहला प्यार है तो हम लोग कहीं और नहीं पाए जाएंगे, हम परमेश्वर के भवन में पाए जाएंगे। सो हम बोलते बहुत कुछ है पर हमारे एक्शन बहुत कुछ दिखाते हैं। आपको मेरे को दिखाने के लिए नहीं करना, अगली बार सब लोग बैठ गए मुझे दिखाने के लिए नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर हृदय जांचता है, मनुष्य का देखना तो बाहर ही देखना होता है पर परमेश्वर जो वो हृदय को देखता है। सो बाइबल हम लोग जब पवित्र बोलते हैं ना, आज का दिन जो साबत है, जो आपका विश्रामवार का दिन है, वो कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि बहुत लोगों के लिए संडे उनका विश्रामवार का दिन नहीं होता, एक दिन आप परमेश्वर ने आपके लिए ठहरा हुआ विश्राम करें। बाइबल क्या बताती है उसको दिखा देना है ना, निर्गमन 20 8 से गया हम लोग उस टाइम, इसको कोई बहुत ऊंची आवाज में पढ़ दे, देख रहे ठीक से, ठीक है चलिए हम लोग समय का ध्यान दें। ये है आज्ञा बाइबल में है, तो विश्रामवार को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब कामकाज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्रामवार है, विश्राम दिन किसके लिए, यहोवा के लिए ना, ठीक से पढ़ना था, उसमें ना तो तू किसी भांति का कामकाज करना, ना तेरा बेटा और ना तेरी बेटी, ना तेरा दास ना तेरी दासी, ना तेरे पशु ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया, इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और इसको पवित्र ठहराया। उस टाइम ये लिखना पड़ा था लोगों को, क्योंकि लोग जो थे वो रेस्ट नहीं करते थे, 7 दिन वो काम करते थे वो लोग, वो विश्राम वार के दिन को भूल गए जब परमेश्वर को भी बोला। सो परमेश्वर ने उस दिन को क्या ठहराया, पवित्र ठहराया। और जब परमेश्वर उन्हें मिस्र देश से गुलामी से लेके आए थे तो परमेश्वर ने क्या बोला था, उनको मन्ना मिलता था खाने के लिए, 7वें दिन के लिए परमेश्वर ने क्या, हर दिन वो बाहर जाके हर दिन का मन्ना कलेक्ट करते, 7वें दिन भी करते, 7वें दिन उन्हें करना था, इसी बोलो नहीं करना था, 6 दिन उनको अगले दिन का भी करना था, बट बाकी दिन अगर जितना जो परमेश्वर का उस समय ये था कि तुम जितना लोगे तुम्हें कम नहीं पड़ेगा, जिसने ज्यादा लिया उसको भी पूरा पड़ा, जिसको कम उठाया उसको भी, किसी को घटी नहीं, और अगर वो बचा के, उन्होंने कहा था परमेश्वर का था तुम्हें
परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहे थे। पर छठे दिन उन्हें सातवें दिन के लिए भी रखा था, उसमें कीड़े नहीं लगते थे क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा था। पर लोग क्या करते थे सातवें दिन भी, क्या करते थे वो लोग? यशायाह 6 हम लोग बात कर रहे थे,
या शायद इसमें हम थोड़ा और गहराई से जाएंगे, हम लोग गए थे इसमें तब फिर से जाएंगे कि उसी का राजा हो जिस साल हमारा यशया भविष्य वक्त रहा, परमेश्वर का नबी रहा। उस समय क्या होता था कि परमेश्वर का आत्मा नबियों से बात करता था, जो परमेश्वर के भविष्य वक्त थे वो जाके लोगों से बात करता था। सो यशया के पास उस समय मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। हमने वो वीडियो देखा, वो कुछ नहीं है वीडियो जस्ट है, बट यहाँ पर युहन्ना देखा, यहाँ पे यशया देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गए। उससे ऊंचे पर सराप दिखाई दिए, उनके छह छह पंख थे, दो पंखों से अपने मुंह को ढांपे थे और दो से अपने पांव पर दो से उड़े रहे थे। सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरी है। आप एक बोलो क्या कर रहे थे दिन रात, पवित्र पवित्र पवित्र। और पुकारने वालों के शब्द से देवियों की नीले डोल उठी और भवन ध्वनि से भरा। सोच सकते हैं कितना तेज हो गा रहे, कितना खुल, कई बार हम लोग शर्माते हैं गाने। तब मैंने कहा, यहाँ पे कौन है मैं, यहाँ पे यशया बोल रहा है, तब मैंने कहा हाय हाय मैं नष्ट हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा। यहाँ पे उसने भी देखा, वो भी डर गया, वो अपने आप को उसमें देखने लगा कि मैं कितना क्या हूँ अशुद्ध। उससे पहले हम पढ़ेंगे तो उससे कि इज़राइल यहूदा ये सब में कितना पाप लोगों में कितना, पर जब वो परमेश्वर को देखता है तो उसको नजर आता है कि उसके जीवन में खुद कितना पाप। वो क्या बोलता है हाय हाय मैं नष्ट हो। तब एक सराप हाथ में अंगारा लिए हुए जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था मेरे पास उड़ कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा देख इसने तेरे होठों को छू लिया है इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गया। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा मैं यहां हूं मुझे भेज। यहां पे यशया को क्या लगा हाय हाय मैं नष्ट हूं, बट वो क्या नष्ट हूं, क्या नष्ट हूं उसका अधर्म वेदी के अंदर। जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में आया तो वो खत्म नहीं हुआ पर वो बदल गया, नहीं? वो नया हो गया। उससे मैं किसको भेजूं, हमारी ओर से कौन जाएगा, कहता मैं जाऊंगा मुझे भेज, मैं यहां मुझे भेज। वो बदल गया, उससे नाश नहीं था उसको लगता था। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते, जब परमेश्वर को हम लोग देखते हैं तो हम लोग बदल जाते हैं। अगर हम लोग नहीं बदले, फिर से सेम चीजें करते जा रहे हैं, हमको कुछ नहीं करते तो हम लोग हटीले हो गए। आगे हम लोग पढ़ गए, उसने कहा जा और इन लोगों से कह सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बूझो। तो इन लोगों के मन को मोटा और इनकी आंखों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने, मन से बूझे, मन फिरा और चंगे हो जाए। यहाँ पे हुआ कि अब उस वक्त उसको भेज, वो प्रचार करेगा, पर उसमें क्या है सुनेंगे तो पर नहीं समझे, देखेंगे पर तो जाने की कोशिश नहीं करेंगे। उनका मन इतना मोटा, कान इतने भारी, आंखें इतनी अपनी बंद करके। जब मैं इसको पढ़ी थी पहली बार तो मुझे याद आया था कि जब मैं स्टार्टिंग में चर्च गई थी ऐसी गई थी कान बंद करके, आंख नाक मुंह बंद, मुझे नहीं सुनना। पास्टर ने बोला प्रभु, मैं कुछ नहीं मानता, मुझे प्रार्थना नहीं करानी अपने, तो मैं इस तरह से गई थी कि ऐसा ना हो कि मैं विश्वास करती, बट परमेश्वर का अपना समय और परमेश्वर ने मेरे को छोड़ा। यहां मुझे भेज। यहां पे एक राजा के बारे में बात हुई थी
सारी सृष्टि को देखे कि राजा उज्जिया के बारे में बात हुई थी कि उसका जो था जो उसने राज्य किया 52 वर्ष तक उसने राज्य किया था उसका वनम था बहुत लंबा रेल रहा था लंबा राज्य रहा था उससे ज्यादा एक और कहा था मनुष्य के बारे में बात करे थे कि जब एंड में हुआ था बहुत घमंड उसके अंदर आ गया बहुत गर्व से उसने हो गया जो काम याजकों का था बोला मैं करूंगा मैं धूप चढ़ाऊंगा मैं जाऊंगा परमेश्वर के भवन में मैं करूंगा जो परमेश्वर ने याजकों को अलग ठहराया था पवित्र करके तुम अपने को मेरे ऐसे ही मान लो पर उसके अंदर इतना घमंड आ गया कि मैंने इतनी विजय पाली मैंने इतना कुछ करते जो भी मैं जिस कारण से भी घमंड आया मैं चढ़ाऊंगा जो उसके लिए ठहराया गया है क्या उसको जो मंदिर में जो याचक लोग थे सब 80-80 आके उसको खड़े हो जाते कि यार राजा ये तुम्हारा काम नहीं है तो यहाँ से चला और बाइबल बताती है कि वो उसको अपनी गलती का एहसास हुआ क्या उसने कहा कि मैं जब उसको बोला गया कि तुम गलत हो क्या होता उसका रिएक्शन क्या होता मैं वो झुंझला उठा और देखते ही देखते जब वो झुंझला रहा था उसके माथे में कोड़ निकल आया बाइबल कहता है कोड़ी लोग उस समय नहीं जा सकते थे उनको अशुद्ध कर पर प्रभु यीशु मसीह आए उन्होंने उस अशुद्धता को दूर किया यहाँ पे देखते हैं कि कुछ भी उस समय अगर हम लैदे व्यवस्था को पढ़ लें किसी भी चीज को बोलते हैं कि तुम किसी मरे हुए को छोड़ोगे तो अशुद्ध हो जाओगे जानवर का भी कारकस छोड़ोगे अशुद्ध हो जाओगे तो फिर उस शुद्धि वाले प्रोसेस का तो यहाँ पे जो प्रभु यीशु मसीह उन्होंने कोड़ियों को छू कर चमका किया उस महिला को जिसको लघु बहने की बीमारी थी इतने साल तक जब उसने उसका वस्त्र छोड़ा उसको प्रभु यीशु मसीह ने उस समय ये सब अशुद्ध गिना जाता था और ये लोग मुंह से अपने अशुद्ध अशुद्ध बोलते थे ताकि लोग इनके पास भी ना आए उसने मरे हुए को चुना लाजर जो 3 दिन तक कब्र में था उसको जलाया उस व्यक्ति को जलाया जो मर गई थी कि जो कुछ उसने अशुद्ध बोला गया उसने उसको जीवित किया उसमें उसने जान डाली वो परमेश्वर से आया जो पर उसने दे दी अंगारा हम परमेश्वर के दर से आया उसने छू कर यशाया जो था उसका जो कोट को छुआ उसका धर्म दूर हुआ तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे पाप भी क्षमा हो परमेश्वर से उसका मेमना है और बाइबल बताती है कि जो परम पवित्र स्थान है वो एक पर्दे से दूर रहता था ना पर्दे से सेपरेट किया जाता है जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी दी वो पर्दा ऊपर से नीचे दो भाग में हट गया वो पर्दा हट गया वो स्थान में चला गया अब हम पूरी बोल्डनेस के साथ उसमें जा सकते हैं हम उसको हल्के से So, जब हम यहाँ पे यशाया का चीज देख रहे थे बात कर रहे थे कि लोग हैं यहाँ पे लोगों के पास उसका वचन तो सुने उनके पास दो चीजें वो लोग कर सकते हैं जब वचन उनसे बातचीत करे वो मन फिर और जो बदलाव उनको अपने जीवन में लाना उस बदलाव को लाए या वो हटीले होके कान बंद करके चले जाए अपने हृदय को और ज्यादा हटीला बना और ज्यादा सख्त अब लोग राजा का बात करें राजा उज्जिया के बारे में जब याजकों ने उसको बताया उसने अपने आप को क्या किया था हठीला कर लिया था उसने अब तक नहीं बताते उसने परमेश्वर से क्षमा मांगी वो पूरे मरने तक अपने परमेश्वर के भवन में नहीं जा पाया था उसको वहां मिट्टी भी नहीं दी गई जहां राजाओं को मिट्टी दी जाती थी पर हमारे पास दो चीजें और इसी तरह हम बात करें थे कि मनुष्य के बारे में कि उसने इतने उसने पाप किए थे पर उसने मन फिराया और परमेश्वर ने उसका राज्य और बढ़ाया और ऊंचा किया नबूकदनेस्सर के बारे में दानियेल की पुस्तक में देख सकते हैं जब उसने अपने आप को दीन किया तो उसका और ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसका फेम जो बोलते हैं जगह जगह तक फैल गया था उसने अपने आप को दीन किया पर जब अपने उस आप को उसने इतना हटीला कर दिया जानवरों की तरह गया कि ना उसके बाल बढ़ गए नाखून बढ़ गए 7 साल उसके ऊपर पर जब उसने स्वर्ग की और अपनी आंखें उठाई जब उसको रियलाइजेशन हुआ उसने मन फिराया हम लोग चीजें देखते पाप करते रहते पर बहुत बार जानते ये मेरे जीवन में गलत है हम लोग दिखावे के लिए मन फिराव कर लेते हैं बहुत बार बोलने के लिए पर फिर चले जाते हैं ऐसे कुछ नहीं वो पवित्र परमेश्वर बाइबल हमें बताती है जो चाहेंगे पहला पद
उसका पहला अध्याय 14 से लेकर 16 वर्ष तक। उसमें लिखा है, बाइबल बताती है ना, ये बता जो आज्ञाकारी है कि जब परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत करता है, हम दो चीजें करते हैं, हम तो आज्ञाकारी बन सकते हैं या अनाज्ञाकारी बन सकते हैं। कि आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, कि जो चीजें हम पहले नहीं जानते थे तब हमारी अज्ञानता में थी, बट अब जब हम उन चीजों को जानते हमें आज्ञाकारी बालकों के समान उन पुरानी अभिलाषाओं को नहीं करते जाना। पर आगे क्या बताते, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। सारे चाल चलन, ये नहीं कि सिर्फ संडे को हम लोग होली बनने की कोशिश करें, हर चीज में सिर्फ दिखाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर हृदय को जांचते हैं। तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र, वो पवित्र परमेश्वर, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हम लोग पवित्र कैसे बन सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि उसने क्या किया, उसने हमारे सारे पापों को, सारे अधर्मों को ले लिया। जब उसका लहू हम लोग क्लेम करते हैं तो हमारे पापों की क्षमा होती है। हम लोग इब्रानियों में जाएंगे, उसके आगे पीछे हम, परंतु जब मसीह यीशु मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं था, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, परंतु अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। अनंत छुटकारा, अब बार बार उनको बलि देने की जरूरत नहीं है, बार बार याचकों को पवित्र होकर जाने की जरूरत नहीं है, पर प्रवेश मसीह के द्वारा। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कल्लोर की राख अपवित्र लोगों पर छिड़के जाने से शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करती है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष रखा, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीते परमेश्वर की सेवा करो। विवेक बहुत बार जो गिल्ट कॉन्शियस में रहते ना, हम पाप हो गया पाप हो गया, पर वो उसको शुद्ध करता है। जब हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं, उससे मन फिराते हैं, वो तुम शुद्ध क्यों ना करो, और तुम क्या कर रहे हो, जीवित परमेश्वर की सेवा करें। पर हम किसकी सेवा करते जाने, इससे हम लोग पास ये समय रहेगा, हम लोग वाटरफॉल देंगे। अगर आप चाहते हो हमसे परमेश्वर बात करिए, आपने पर हमें अपने जीवन में बदलाव लाने की जरूरत है, तो हम लोग इस समय परमेश्वर के सामने अपने हृदय को खोल देंगे। हम लोग एक सॉन्ग में भी जाएंगे, और वो सॉन्ग यशायाह 6 पर आधारित है। हम लोग सॉन्ग में, उस गीत में भी जाएंगे, जब वो गीत चल रहा है, आप अपने हृदय को सुना, हाँ परमेश्वर मेरे जीवन में ये गलत है, आपके आत्मा ने मुझसे बातचीत करी है, मैं बदलना चाहता हूं, मुझे क्षमा करें कि मैं अपनी मर्जी से करता हूं, पर आपकी मर्जी से चलना चाहता हूं, आपकी आज्ञाकारिता में चलना चाहता हूं। हम लोग आगे आ सकते हैं, ये आपके और परमेश्वर के बीच में, मेरे और आपके बीच में नहीं, और हमारे सब पापों को कौन छोड़ करता है, प्रभु यीशु सारे पाप, उसने उस पर्दे को फाड़ दिया, वो फट गया, उससे अब वो नहीं रहा, हम लोग जा सकते हैं पूरी गंभीरता के साथ। हम इसे कौन है जो बदलना चाहते हैं, मेरे को दिखाने के लिए परमेश्वर के बदलना चाहते हैं, तो हम लोग को बदलाव लाने की जरूरत है, हम लोग को एक्शन करने की जरूरत है, हम लोग मुंह से नहीं बोला, हम लोग को एक्शन करने की जरूरत है। परमेश्वर का आत्मा बात करते हैं, हमें वो बदलाव लाना, इस समय हम लोग वाटरफॉल में चलेंगे, हम लोग गीत में चलेंगे, उसके बाद हम लोग इस समय अपने आप को, इस समय जब वो गीत चल रहा है, अपने हृदय को परमेश्वर के सामने खोल दें, उसके बाद हम लोग प्रार्थना के साथ एंड करेंगे। आप चाहें तो परमेश्वर के सामने जब गीत चलता है, जब आराधना करते हैं, आप खड़े रह सकते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए परमेश्वर के लिए खड़े, घुटने पे आने आप घुटने पे आ सकते हैं, आपके
तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र, तुम पवित्र बनो और पवित्र से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा
इस समय प्रभु जी आपके उस लहू को ट्रेन करते ताकि प्रभु जी इस समय जो रिश्ता हमारा आपसे परमेश्वर टूट गया फिर से जुड़ने पर फिर से आपके साथ हम निरंतर संगत के जीवन में रहने पर प्रभु जी आपके सम्मुख आपका धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस। मांगते हैं प्रभु जी अपनी इस प्रार्थना को अपने जीवित उठाकर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए इस समय हम लोग अपने दानों को लेकर के आएंगे। परमेश्वर इस समय हम सब आप में बढ़ना चाहते हैं, अपनी वेदी के अंगार से खुदा हमारे बहुत कुछ और हमें क्षमा कर। हम लोग अपने दानों को लेकर आएंगे, परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे। परमेश्वर ने दिया है और परमेश्वर हमारे पास मौका इस समय जो परमेश्वर ने दिया उसमें से परमेश्वर को दे सकते हैं। परमेश्वर इसके द्वारा आपको आशीष दे। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमी। यीशु मसीह सारे बड़े हो गए। हालेलुया। तेरे जैसा है कोई झुके आसमां और महिमा गाए जमीं। हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है होकर के जाने पाए इस समय परमेश्वर की आशीष वचन को एक साथ ग्रहण करेंगे।
यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। आमीन। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। आमीन। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमीन। आमीन। परमेश्वर आप सबों को निजी रूप से ब्लेस करे, आशीष दे। इसी के साथ हमारी सर्विस एंड होती है। एक दूसरे के साथ मिले, एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने। आप नहीं जानते आप किसके लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। डिनर में एक साथ